हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे। सो इस वीडियो में आप देखोगे MT-15 BS6 वर्सेस R15 BS4। तो ये टेस्ट हमने इसलिए करा, हम स्पेशली आप लोग को ये दिखाने के लिए कि फेयरिंग का कितना अंतर पड़ता है, और अगर एक फेयर्ड बाइक वर्सेज नॉन फेयर्ड बाइक सेम इंजन के साथ हो तो क्या अंतर देखने को मिलता है टॉप स्पीड में, और कैसा डिफरेंस आता है, गाड़ी कैसी भागती है। तो ये सब की तरफ अभी बढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं दूसरा चैनल बनाने को सोच रहा हूँ, तो चैनल बन गया, चैनल रेडी है एकदम, बट उस पर अभी तक वीडियो नहीं आया। तो वो वीडियो अभी शूट करने जा रहा हूँ मैं, और लाइट वाइट पूरी सेट कर ली है मैंने। एक्चुअली ये वाली लाइट मैं टेबल पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ अनबॉक्स करनी है। दूसरे चैनल की बात हम लोग कर रहे थे, आप जब ये व्लॉग देख रहे होगे तब दूसरा चैनल लाइव हो चुका होगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बिकॉज अपने पास टेक बहुत है, मतलब देखो इधर ड्रोन पड़ा है और लाइट पड़ी है, लेंसेज पड़े हैं काफ़ी अपने पास। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने परफॉर्मेंस टेस्ट की तरफ। तो सेफ्टी हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है, एंड सेफ रहो, हेलमेट पहनो, राइडिंग जैकेट हम लोग पहने थे, सारी चीज़ें पहने, सारे गेट्स पहने थे, और एकदम ही एम्प्टी हाईवे पे गए थे। तो आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, एंड हम शुरू करते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट को। चलो, एंड आज मैं लाया हूँ R15 V3, एक्चुअली ये वाली BS4 है, MT-15 BS6 लाया हूँ मैं आपके लिए। और ये कंपैरिजन इसलिए करना है क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि दो सेम इंजन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसा परफॉर्म करते हैं, और MT को क्या डीट्यून किया गया है सच में, मतलब अगर MT-15 नेकेड बनाई है तो क्या कुछ ट्यूनिंग कम करी गई है इसकी। और R15 यहाँ पे आपको BS4 मिल जाएगी, बट एक चीज़ इसमें मैं बता दूँ, इसमें अकरा प्रो का एग्जॉस्ट लगा है, ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है। तो मे बी इसकी परफॉर्मेंस हल्की फुल्की डिफरेंस हो, बट एट द एंड आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक तेज़ है, कौन सी बाइक स्लो होने वाली है। और MT-15 का बहुत ही रिफ्रेशिंग कलर आया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है नया कलर। और MT-15 में अगर R15 से कंपैरिजन की बात करें अपार्ट फ्रॉम फेयरिंग, तो सिर्फ एक ही चेंज दिखेगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पे एक नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिल जाएगा, जबकि नेगेटिव डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा रीडेबल है धूप में। और उसके बाद एक चीज़ और, एक छोटा सा चेंज और मिलेगा आपको, यहाँ पे हॉर्न की पोजीशनिंग थोड़ी चेंज करी गई है, हॉर्न अब थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट प्लेस पे, थोड़ा बीच में आ गया, इंडिकेटर नीचे आ गया। तो बस यही सब थोड़े बहुत चेंज है, अदर देन दैट दोनों बाइक सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ इंजन, एग्जॉस्ट देख लो, रिम्स देख लो, टायर साइज देख लो, 140 सेगमेंट दोनों में मिल जाएगा आपको। बट हाँ, पीछे से मुझे पर्सनली MT ज़्यादा कूल लग रही है, बिकॉज काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक है, काफ़ी नया लग रहा है। और MT-15 फिलहाल जो BS4 वाली थी वो इतना ज़्यादा भी रोड पर नहीं है जितना मुझे लगता है ये BS6 करने वाला, ये कलर जो काम करने वाला है। तो चलो टेस्ट करते हैं R15 वर्सेज यमा MT-15 BS6, लेट्स गो। और सेफ्टी का ध्यान रखना, मैं और कुंदन भाई दोनों लोग देखो जैकेट, राइडिंग जैकेट पहने हैं, सब कुछ पहने हैं, सारे गेयर्स पहने हैं। तो पहले मैं MT-15 चलाऊंगा, और मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि इनिशियली मैं बहुत तेज निकलूंगा, फिर कुंदन भाई पकड़ेंगे मुझे लगता है मतलब पकड़ेंगे तीन हो दोस्त चले। भाई साहब ये तो 11,000 RPM तक जा रही है पूरा। कुंदन जस्ट पीछे है मेरे, निकल गई देखा MT-15 थोड़ा सा पीछे रह जाती है R15 से, बिकॉज फेयरिंग वहाँ पे काम करती है, टॉप एंड अच्छा है और कोई R15 का टॉप एंड काफी अच्छा है। और भी बात कर दूं कि ये भी नहीं है तो इसका इंजन और फुलेगा, रवा होगा, लेकिन फिर भी बाद में भी R15 भी निकलेगी, बिकॉज वहाँ पे एरोडायनेमिक्स थोड़ा मतलब प्ले में आते हैं। और उसके बाद एक चीज़ मुझे पता नहीं ये चीज़ हुई भी है कि नहीं इस इंजन में,
थोड़ा सा गियरिंग चेंज लग रही है बिकॉज ये बहुत जल्दी आरपीएम तक पहुंच रही है, तो मे बी यमा ने कुछ किया एग्जैक्टली, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट फिलहाल आर एन फाइव टॉप एंड में तेज है। इनिशियल एक्सेलरेशन इसका काफी अच्छा लग रहा है मुझे, तेजी से निकली थी। हाँ तो चलो राइडर चेंज करते हैं, वेट का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बट एट द एंड आपको रिजल्ट सही मिलना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए बस। हाँ वही मैं अबाउट 61-62, कुंदन भाई 85-86। चलो चले फील आ गया बैठ के। अब इसकी बैटरी नहीं है क्या? हो गई। चले अभी मैं रुक गया था पहले, तुम्हारी जो धीरे हुई तो मैंने भी छोड़ दिया था इसीलिए उठ गई गाड़ी। हाँ वो तुमने बहुत सडन, वही तो कह रहा था इतने, जैसे कभी अगर यूं कर दो तो उठेगी उठेगी, तुम बस इतना छोड़ो फिर बढ़ने लगे तो फिर पूरा छोड़ दो। हाँ खैर आपको रिजल्ट पता चल गया, R15 V3 फास्ट है डेफिनेटली। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन में वही तेज़ लगी मुझे चलाने पे, R15 उससे कंपैरिजन में स्लो है अगर आप इनिशियल लेते हो, और कुंदन भाई का थोड़ा सा वेट का असर पड़ रहा है, देन दैट कुछ ऐसा वो नहीं है। तो एक्सेलरेशन के लिए वो तेज़ है, सिटी के लिए अंदर भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, टूर भी कर सकते हो मुझे लगता है। और बाकी अगर आपको थोड़ा पोस्चर चाहिए, थोड़ा स्वैग चाहिए, तो आप R15 V3 ले सकते हो, वाइजर फेयरिंग मिल जाएगी आपको, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। बाकी आपके ऊपर है, दोनों यमा की है, दोनों की मम्मी सेम है, दोनों के मम्मी पापा जो भी हैं सब सेम है, तो आपके ऊपर है आपको क्या सूट करता है। सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, गियर्स हमेशा पहन के राइड करिए और मस्त रहिए और सेफ। तो आपने परफॉर्मेंस टेस्ट देख लिया और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो एंड तभी करना अगर अच्छा लगे कंटेंट, ऐसा कोई वो नहीं है, आप देख लो फिर सब्सक्राइब करो। थोड़ी बहुत राइड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा लोग से मिलना नहीं है एंड बिकॉज COVID-19 ही न्यू नॉर्मल है, मतलब इसके साथ ही हमें जीना है अब, तो थोड़ा बहुत तो मतलब करना ही पड़ेगा, काम हम करने ही पड़ेंगे अपने। सो यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।